नेपाल नगर में लंबे समय से आतंक मचा रहे कोरोना महामारी के बाद अब डेंगू ने भी अपना आतंक मचाना शुरू कर दिया है। नेपाल नगर में इन दिनों कई ऐसे मरीज हैं जो डेंगू जैसी भयानक बीमारी की चपेट में हैं। नगर में लगातार बढ़ रही डेंगू बीमारी के मरीजों की संख्या के चलते इस बीमारी ने नगर पालिका के स्वच्छता अभियान पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। सफाई व्यवस्था और बारिश में हो रहे जल जमाव पर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव भी नहीं किया जाता। नल जल योजना में ठेकेदार द्वारा नगर के प्रत्येक वार्ड में पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदे गए गड्ढों को अब तक नहीं भरा गया है, जिससे बड़ी मात्रा में बारिश का पानी जमा हो रहा है और डेंगू बीमारी का लार्वा इसी पानी में पनप रहा है। ठेकेदार और जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा नगर की जनता को भरना पड़ रहा है। पहले ही कोरोना महामारी के चलते लगे लॉकडाउन के कारण क्षेत्र की जनता खराब आर्थिक स्थिति से जूझ रही है। ऐसे में परिवार के किसी सदस्य को डेंगू हो जाने पर घर चलाने के खर्च पर और अधिक भार पड़ जाता है। वहीं डेंगू का इलाज भी इतना सस्ता नहीं है कि आम नागरिक इस बीमारी से लड़ सके। अगर डेंगू बीमारी की रोकथाम के लिए जल्द उपाय नहीं किए गए तो परिणाम और अधिक भयंकर हो सकते हैं।